आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों में 1,164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 48,17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 5 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में कई राज्यों के अभ्यर्थी यूपी पहुंचे हुए हैं। अभ्यर्थियों के लिए यूपी सरकार ने बस सेवा को फ्री कर दिया है। नकल रोकने के लिए इस बार यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सॉल्वर गैंग के साथ हर संदिग्ध पर पुलिस नजर रख रही है। एसटीएफ, एटीएस, एलआईयू की भी पैनी नजर है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। 67 जिलों में परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की कड़े इंतजाम यहां पर दिख रहे हैं। प्रश्न पत्र की सुरक्षा से लेकर परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा तक एसटीएफ और जिला पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा यूपी में पहली बार परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। वहीं हर सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी जो गजेटेड अधिकारी होगा। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए 1,541 संदिग्ध अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर परिणाम तैयार करने तक की जिम्मेदारी इस बार 4 अलग अलग एजेंसियों को सौंपी गई है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देवरिया, प्रयागराज, अमरोहा, सीतापुर, बदायूं, बागपत, हरदोई और महाराजगंज की तस्वीर लगातार सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, निगरानी की जा रही है क्योंकि आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। चलिए कैसे इंतजाम है, क्या कुछ हलचल है, सीधा आपको दिखाते हैं फील्ड से। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। देवरिया से उमाशंकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए, आगरा से शिव कुमार हमारे साथ है, प्रतापगढ़ से रोहित सिंह और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को लिए चलते हैं गाजियाबाद अमित राणा के पास। अमित राणा से जानते हैं कि आखिर किस तरह के इंतजाम है, क्या हलचल आप इस वक्त सेंटर के बाहर देख पा रहे हैं जहां पर ये परीक्षा होनी है। बताया जा रहा है इस बार सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई है पिछली बार के पूरे वाक्य को देखते हुए। बिल्कुल श्रीनम, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद के शंभू दयाल इंटर कॉलेज के बाहर जो यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा पुलिस की मुस्तैदी की। सुबह से ही यहाँ पुलिस बल भारी तादाद में तैनात कर दिया गया था ताकि जो पिछली बार घटना हुई थी वो इस बार ना होने पाए। वही सुबह का ही वक्त है और अभी से ही अभ्यर्थी यहाँ आना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं, अभ्यर्थियों को लगना यहाँ जमावड़ा यहाँ शुरू हो गया है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ आए हुए हैं। साथ ही एहतियात के तौर पर तमाम चीजें यहाँ पे पहले से पहले क्लियर कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा कि किन किन चीजों को अंदर ले जाना है और किन किन चीजों को अंदर नहीं ले जाना है। जो आ रहे हैं लोग उनके भी तमाम जो आईडी कार्ड है उनके बाद ही उनकी एंट्री अंदर की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है, उनसे ही बात कर लेते हैं किस तरह की उनकी सोच है, कितनी उनकी तैयारियां हैं, उनसे जानते हैं और बात करते हैं। कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ है शीनम, उनसे बात करते हैं। बेटा कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं बुकारो से आई हूँ। अच्छा, पहली मरतबा का ट्राई कर रहे हैं या इससे पहले भी किया था? पहले दिया था, कैंसिल हो गया था। कैंसिल हो गया तो उसमें सही रहा वो जो कैंसिल हुआ? हाँ, एक समय मिला आपको तैयार करने का? क्योंकि क्वेश्चन लीक हुई थी ना, फिर जिस बच्चे इतना कॉन्फिडेंट है बेटा 95%। आप बताएं बेटा आप कहाँ से आए हैं? मेरठ। मेरठ से, कितना कॉन्फिडेंट है इसको लेकर? मतलब बता रही है कि हाँ, मतलब सही है, प्रिपरेशन तो सही है, प्रिपरेशन ठीक है, वो पेपर का कोडिंग है। अच्छा, पिछली बार के मुताबिक इस बार क्या तैयारियाँ और ज्यादा अच्छी है जो पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है? नहीं, उसकी उसके अकॉर्डिंग क्योंकि टाइम मिला था ना तैयारी का, तो तैयारी तो सही है लेकिन अब पेपर का कोडिंग पता चलेगा ना। पेपर रोडवेज की बसें भी फ्री की गई है अभ्यर्थियों के लिए, अच्छी पहल है यूपी सरकार की। अच्छी, बढ़िया है सरकार। बिल्कुल, योगी सरकार ने जो कहा है कि जो रोडवेज की बसें हैं वो फ्री रहेंगी अभ्यर्थियों के लिए। कुछ और अभ्यर्थी मेरे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। आप भी परीक्षा देने आए हैं, पहली मरतबा ट्राई कर रहे हैं जी, और कितनी कॉन्फिडेंट हैं? पूरा कॉन्फिडेंट है। आई कार्ड अपना एक बार दिखाएंगे मेरे को, ये आई कार्ड भी आप देख सकते हैं शीनम, जो अंदर इनको जाना होगा उसके साथ इनका एक आईडी प्रूफ चाहिए जिसको लेकर ये आधार कार्ड भी लेकर आए हैं। और जितने भी यहाँ अभ्यर्थी हैं तमाम तैयारियों के साथ आए हुए हैं, फिजिकल हो चाहे कैसा भी हो तभी, और बहुत दूर दूर से आए, यानी सिर्फ गाजियाबाद के आसपास के इलाके से। आप कहाँ से आए हैं? संभल। संभल से। तैयारी कितनी? बढ़िया।
और यूपी सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया कि हाँ भाई बसें फ्री हैं, तो ये बढ़िया है सरकार की तरफ से। लगता है इस बार निष्पक्ष होगी परीक्षा? बिल्कुल होगी, जब इतनी तैयारी किया था यूपी सरकार ने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम ये लोग हैं। वहीं एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह से ही यहाँ पर पुलिस बल भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है। खुद ACP जो इस क्षेत्र की हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। यहाँ तमाम तैयारी पूरी करने के बाद जो बैग्स वगैरह लेकर आए हैं उन्हें पहले से पहले बताया जा रहा है। परीक्षा केंद्र के अंदर की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी अधिकारियों की और जो परीक्षा में केंद्र में शामिल होने वाले लोग हैं उनकी एक बैठक भी यहाँ चल रही है, उसको देख कर कि तमाम यहाँ एहतियात के तौर पर की जाए जो तैयारियाँ हैं वो कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार आरोप लगे थे कि उसमें घोटाला हुआ था। हालांकि योगी सरकार इस बात को लेकर पूरी तरीके से लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि इस बार जो होगी परीक्षा वो निष्पक्ष होगी, और यही कारण भी है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने का जिम्मा उठाया गया है। और सीधे तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो पहले से ज्यादा टाइट दिख रही है। अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ ही आगरा से शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बार KYC के जरिए वेरिफिकेशन होगा, AI के जरिए वेरिफिकेशन होगा, अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस या फिर कुछ इस तरह का चीज आप ना लेकर जा रहे हो ये भी चेक किया जाएगा, और AI टेक्निक की भी मदद ली जाएगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि CCTV से दूर कोई जगह नहीं है जहां पर CCTV नहीं है, तो आप एक बार तस्वीरें दिखाइएगा शिव कुमार। बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय MDJ इंटर कॉलेज के बाहर हूं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से पुलिस यहां पर मुस्तैद है भी परीक्षा केंद्र के बाहर, और यहां जो उनके अधिकारी हैं वो उन्हें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। जब परीक्षा यहां पर पहली पाली की शुरू होगी उसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक SHO है वो यहां अपने सिपाहियों को ट्रेन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहां पर जो परीक्षार्थी है उनका आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ ये परीक्षार्थियों की आना शुरू हो चुका था, और वहीं परीक्षा केंद्र पर CCTV से निगरानी की जा रही है। वहीं AI के मदद से आप देख सकते हैं, बायोमेट्रिक की बात की जाए तो वहाँ पर जो तस्वीरें कैमरे में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दो जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं वहाँ से जो भी परीक्षार्थी अंदर एंटर करेगा उसका पूरा AI से जो है निरीक्षण परीक्षण होगा, उसके बाद उसे अंदर उसे प्रवेश दिया जाएगा। तो कह सकते हैं इस बार पूर्ण रूप से प्रशासन अलर्ट है, टाइट है जो सिक्योरिटी की बात की जाए, क्योंकि LIU और UPATS और STF खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगरा प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो खुद यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं आगरा में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लगभग 1,17,600 परीक्षार्थी पूरे इस परीक्षा शामिल होंगे। अब 5 दिन की ये परीक्षाएं हैं, आज से ये परीक्षाएं शुरू हो रही है। अब परीक्षार्थी एक बार फिर दिखाएंगे आपको कि जो परीक्षार्थी हैं उनका यहाँ पर आना जो है शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे से पहली पाली की परीक्षाएं शुरू होंगी जो 12 बजे होगी, और वहीं दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 से जो है 5 बजे शुरू होगी। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यहाँ पूरी टीम जो है लगी हुई है, मुस्तैद है यहाँ पर। जो कह सकते हैं कि अभी परीक्षा केंद्र पर मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर जो अधिकारी आए थे वो मॉनिटरिंग करके गए हैं, उसके बाद जो है बिल्कुल, तो कह सकते हैं कड़ी सुरक्षा है वहां पर। आपने बताया अधिकारी भी लगातार बीच बीच में आकर चेकिंग कर रहे हैं, और ये तब है जब फरवरी में इस परीक्षा को कराया गया था, धांधली के चलते कैंसिल कर दिया गया था। अब जब री एग्जाम हो रहा है तो कोई तरह की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए इतने कड़े इंतजाम है। चलिए आगे चलते हैं, और शिव कुमार से हमने ले चुके हैं जानकारी, रोहित सिंह प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जरा दिखाइए वहां पर कितने कड़े इंतजाम है और कौन से केंद्र पर आप मौजूद हैं, कुल कितने केंद्र बनाए गए हैं प्रतापगढ़ में? जी, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण कर ली गई हैं, और सुबह 10 बजे से परीक्षाएं शुरू होंगी। हम इस समय मौजूद हैं शहर के KP कॉलेज इंटर कॉलेज में, ये भी सेंटर बनाया गया है। अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। KP इंटर कॉलेज को जो है केंद्र बनाया गया है, DRC ऐसे जो है 11 परीक्षा केंद्र हैं जो कि 10 पालियों में 42,240 छात्र छात्राएं जो है पुलिस भर्ती की परीक्षाएं जो है देने वाले हैं। सामने आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से।
से यहाँ पे सुबह 8 बजे से जो छात्रों का प्रवेश है वो सेंटर के अंदर उनको मिल सकेगा। अगर वही बात करें छात्रों की, छात्र पेन प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के जरिए ही अंदर प्रवेश पा सकेंगे। सबसे पहले उनकी KYC होगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, जिसके बाद वह अंदर जा सकेंगे। अगर वही बात करें परीक्षा केंद्र को पूरे अवैध किले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां कक्षाओं में CCTV से पूरी तरीके से लैस किया गया है, वहीं कक्ष निरीक्षक की भी तैनाती की गई है और भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। अगर बात किया जाए तो आज प्रतापगढ़ में 2 पालियों में परीक्षा होनी है। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे खत्म होगी, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शुरू होकर 5 बजे खत्म होगी और एक पाली में करीब 4500 छात्र छात्राएं यहां पे परीक्षा जो है देंगे। हम आपको बता दें कि प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर समेत तमाम जो है जिलों से यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं उनका आना कल दोपहर से ही शुरू हो गया है। हम आपको तस्वीरें भी छात्रों की दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वह लगातार जो है वो प्रतापगढ़ पहुँच रहे हैं और कल रात से ही प्रतापगढ़ में डटे हुए हैं और जिसके बाद वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी का अंतिम रूप यहीं रात में ही रुक के दिए हैं और अब वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब 10 बजेगा, कब वो परीक्षा केंद्र के अंदर जो है एंट्री करेंगे और परीक्षा में शामिल होकर अपनी परीक्षा को देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ की भी तस्वीरें देख ली। अब देवरिया से हमारे सहयोगी उमाशंकर भट्ट जुड़े हुए हैं। उमाशंकर, जरा दिखाइए कि देवरिया में कैसे इंतजाम है, कौन से केंद्र पर मौजूद हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आज होने वाली है, तकरीबन 8:30 बजे इसी गेट से कुछ छात्रों को एंट्री मिलेगी। मैं इसमें महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में के सामने खड़ा हूँ। देवरिया जनपद में फुल बस सेंटर बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो बस सेंटर है वो जिला मुख्यालय में है। आप तस्वीरों के साथ देख सकते हैं परीक्षार्थियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। तकरीबन 8:30 बजे परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा हर कमरे में CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है। जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको जो डॉक्यूमेंट चेकिंग के बाद अंदर पहुंचाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से ADM प्रशासन गौरव श्रीवास्तव इसके नोडल अफसर बनाए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से दीपेंद्रनाथ चौधरी नोडल अफसर बनाए गए हैं। कल दोपहर से ही परीक्षार्थियों का जनपद देवरिया में आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। जनपद देवरिया में 117 सरकारी बसों की व्यवस्था की गई है। कोई भी परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी लेकर बस में आराम से सफर कर सकता है और सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह से यहाँ पे जिला प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पे हैं, SDM लगाए गए हैं, इसके अलावा पुलिस फोर्स लगाई गई है, साथ में जो LIU है और क्राइम ब्रांच की भी टीम जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी फॉर्मेलिटी होगी कुछ देर बाद परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मैं एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये तस्वीरें देखें किस प्रकार महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के गेट पे मैं खड़ा हूँ। ये अंकनाथ है और परीक्षार्थी अपने गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो नियम कानून है उसके तहत ही लोगों को एंट्री मिलेगी और आप सकते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद। अभी तो तगड़ी सुरक्षा है, कड़ी सुरक्षा है, जैसा कि तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े रखे, लगातार इनसे दिन भर की अपडेट हम लेते रहेंगे 10 बजे, क्योंकि पहली पाली की परीक्षा भी शुरू होनी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। उमा शंकर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार यूपी सरकार ने लीक प्रूफ परीक्षा की पूरी तैयारी की है। इसी को लेकर एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस बार की परीक्षा में क्या क्या खास है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 67 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए पुख्ता बंदोबस्त हैं। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। DGP ने परीक्षा केंद्रों, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर पुख्ता तैयारी की है। बस और टैक्सी स्टैंड के साथ होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक परीक्षा। यूपी के साथ 26 राज्यों के कैंडिडेट, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के भी कैंडिडेट, दूसरे राज्यों से 6,30,481 कैंडिडेट शामिल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के कैंडिडेट, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कैंडिडेट। सिपाही भर्ती परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सभी
उन जिलों में पहुंच चुके हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये पुलिस भर्ती बोर्ड का कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहां पर इन सभी प्रिमाइसेस की वो जो ट्रेजरी हैं जिलों की उनकी लगातार निगरानी की जा रही है सीसीटीवी कैमरों के जरिए से। भर्ती बोर्ड के अधिकारी 24 घंटे उन कमरों की निगरानी कर रहे हैं जहां पर डबल लॉक में ये सभी परीक्षा पत्र रखे हुए हैं। इन प्रिमाइसेस की एक चाबी उस जिले के एडीएम के पास होती है और एक ट्रेजरी अफसर के पास होती है। ये उन जगहों की निगरानी की जा रही है जहां पर परीक्षा पत्र रखे हुए हैं। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत 26 राज्यों के कैंडिडेट शामिल हैं। यूपी के बाद बिहार के अभ्यर्थी इस परीक्षा में सबसे ज्यादा संख्या में हैं। बिहार से 267,296 कैंडिडेट शामिल हैं, वहीं मध्य प्रदेश से 98,400, राजस्थान से 97,276 कैंडिडेट शामिल हैं, हरियाणा से 74,767 और दिल्ली से 42,260 कैंडिडेट शामिल हैं। झारखंड से 17,112 और उत्तराखंड से 14,627 कैंडिडेट शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से जहां 5,512, पंजाब से 3,404 और महाराष्ट्र से 3,151 कैंडिडेट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिए थे। आपको बताते हैं कि परीक्षा कब कब होनी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त 2024 को होगी। पूरे प्रदेश में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम कराए जा रहे हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।